करोड़ों साल पुराने जीवाश्म को अब सुरक्षित रखा जाएगा। इन जीवाश्म को पर्यटन के रूप में नई पहचान भी मिलेगी। दरअसल क्षेत्रवासियों की मांग के अनुसार वन मंडल मनेन्द्रगढ़ द्वारा शासन को रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें करोड़ों साल पुराने जीवाश्म और उसके आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बता दें कि जीवाश्म में ये समुद्री जीव जंतु हैं जो करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में बहते थे। प्राकृतिक परिवर्तन और पृथ्वी के पुनर्निर्माण में समुद्र के हटने पर उन जीवों के अंश पत्थरों के बीच दबकर रह गए थे। मनेन्द्रगढ़ में स्थित इस समुद्री जीवों के जीवाश्म वाले क्षेत्र को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1982 से नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया है। मनेन्द्रगढ़ में मिले जीवाश्म को संरक्षित करने और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित कर जैव विविधता पार्क बनाने से ये क्षेत्र देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना सकेगा। वगैरह बनाए हैं, पगोडास वगैरह बना दिए हैं और उस क्षेत्र को भी थोड़ा संरक्षित कर दिया है। बाउंड्री वॉल्स चेंजिंग से पूरा घेर दिए हैं और इसके आगे भी हमने और प्रपोजल भेजा हुआ है, इसका बनाया हुआ है हमने प्लान की जो बड़े बड़े पत्थर हैं उसमें जो पुराने हमारे उस समय के 200 करोड़ साल पुराने जो एंशिएंट मेराइन एनिमल्स रहते हैं, फिर उसके जो है कलाकृति पत्थरों में बनाएंगे, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो है कैक्टस गार्डन वगैरह बनाएंगे वहाँ पर, और दूसरा जो है उसको टूरिस्ट के उससे भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बैठने वगैरह के लिए अच्छा सीनिक जगहों पे जो है एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया है अपन ने, वो भी बहुत ही अच्छा है और उस पर मतलब और भी कुछ मतलब सुधार उसमें करना है हम लोग को। पुराने जो वीडियोज़ हैं वो सब में अभी रखना है ताकि एजुकेशन पर्पज़ से भी अगर कोई स्कूली बच्चे लोग आते हैं तो उसको समझ सके कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या महत्व होता है। ये काफ़ी गर्व की बात है और अगर प्रपोजल हमने भेजा हुआ है और स्वीकृत हो जाता है तो अभी आने वाले टाइम में जो है उसको हम टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा कर देंगे ताकि लोग आए तो उनको मतलब इसका महत्व भी समझ में आए कि ये क्या है, कैसे है इसका और कैसे हमको क्यों संरक्षित कर रहे हैं, और दूसरा जो है एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग आए कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब काफ़ी लोग जानते हैं इसको फॉसिल पार्क को, बट टूरिस्ट लोग अभी नॉर्मल एक टूरिस्ट लोग जो है उनको अभी उतना समझ नहीं है, तो हम वो जो है उसको कर रहे हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट भी आए और वो भी फिर धीरे से वहाँ देख के समझे कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम वगैरह बनाए हैं।